से आप लोग अच्छे हुए होंगे। तो आज की एडिटिंग हमारी सीपी बैकग्राउंड फोटो एडिटिंग पर होने वाली है, जो कि काफ़ी ओसम दिखती है। इस तरह की एडिटिंग आप लोगों को करने के लिए सिर्फ एक ही ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है वो पिक्सआर्ट, जो कि इस ऐप से खराब फ़ोटो को काफ़ी ओसम बना सकते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में। तो इस तरह की एडिटिंग करने के लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी, वरना आपको इस तरह की एडिटिंग करना नहीं सीख पाएंगे। चलिए हम बिना देरी करते हुए फ़ोटो को एडिट करें। तो जिस फोटो को आपको एडिट करना है उसको पहले पिक्सआर्ट के अंदर ले जाएंगे। तो इस फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर लाने के बाद हम यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को आप माइनस कर लीजिए, हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ब्रश वाले ऑप्शन पर रहने देंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, साइज़ थोड़ी छोटी कर देंगे। अब हम इसको इस ब्रश को फेस पर चला देंगे, जिससे हमारा फेस हो जाएगा काफ़ी गोरा। जो कि हमारी फोटो हो चुकी है काफ़ी गोरी, तो डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से आप टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आपको यहाँ पर कर्व्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर ग्रीन वाले कलर को चुन लेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस डॉट को पूरा नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद आपको आप फिर से इरेजर वाले ऑप्शन पर चले आएंगे, फिर से आप इसको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर जाएंगे, हार्डनेस को कर देंगे 95 कर दीजिए, आप इसके साइज़ को छोटी बड़ी कर सकते हैं। ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर आप इसको अपने कपड़े पर चला लेंगे, जिससे हमारे कपड़ा का कलर बदल जाएगा। क्योंकि हमारे कपड़े का कलर बदल चुका है, अब डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर आप यहां पर एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस बैकग्राउंड को ले आएंगे, इस बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इस इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हार्डनेस को कर देंगे 97 कर दीजिए, साइज़ को आप छोटा ही रखिए तभी ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम इसके बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। ज़्यादा देरी करते हुए हम वीडियो को थोड़ा सा कर देंगे कट। अब हमारा बैकग्राउंड हो चुका है रिमूव, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं पहले की फ़ोटो, अब जो कि काफ़ी ओसम अब दिख रही है फ़ोटो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं।